भाजपा जिला कोषाध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा जनपद की सभी सीटों पर अपना परचम लहराएगी। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव का डंका बज गया है। सभी दलों के लोग अपनी अपनी जीत के दावे जनता के बीच में कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जनपद जौनपुर के जिला कोषाध्यक्ष संतोष मिश्रा नाट्य गुरु ने सबकी नज़र से बातचीत के दौरान कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा जनपद की लगभग सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करके जनपद में परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बीच के बिचौलियों की दखलअंदाजी अब खत्म हो गई है। योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। संतोष मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार विकास में विश्वास रखती है। एक सवाल के जवाब में संतोष मिश्रा ने कहा कि मुगराबाई शाहपुर में नगर पालिका के चुनाव में भाजपा जिस किसी को भी अपना सिंबल देगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करेंगे और अच्छे मतों से भाजपा का परचम लहराएंगे। पेश है सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ यशस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर, मैं हूं यशस पांडे। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संतोष मिश्रा, जिसको नाट्य गुरु के नाम से लोग जानते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी जनपद जौनपुर के कोषाध्यक्ष हैं। निगम चुनाव का डंका बज गया है। आइए बात करते हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किससे मुकाबले के लिए तैयार है, और विशेष तौर पर अगर बात करते हैं मुगराबाद शाहपुर नगर पालिका परिषद के लिए तो एक लंबी सी लिस्ट बनी है। उस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के संभावित कौन से प्रत्याशी आपकी निगाहों में आ रहे हैं? मुगरा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के हमारे कई कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास करके कैंडिडेट बनाएगी, मेरा और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग साथ उसी के साथ होगा। भाई साहब, बात यह हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व लेवल की नंबर एक की पार्टी है। आपकी पार्टी का मुकाबला किस दल से है, किस पार्टी से है? कोई पार्टी मुकाबले में ही नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है। कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगी ये सब पार्टियां, क्योंकि ये लोग जातिवाद की राजनीति करती है और क्षेत्र की जनता, देश की जनता इन लोगों की मनसा को पूर्ण रूप से समझ चुकी है। और आने वाले निकाय चुनाव में, आने वाले दिनों में जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से निकाय चुनाव में विजयी बनाएगी और पूरे भारतवर्ष में निकाय चुनाव में, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजने वाला है। मिश्रा जी, जहां आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का डंका बजने वाला है, उपचुनाव जब हुआ था तो उसमें थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को एक देखा जाए तो कुछ सीट गंवानी पड़ी थी। उपचुनाव में जहां तक मैं जानता हूं, उपचुनाव में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुछ कमजोरी रही हो, चाहे अपने कैंडिडेट की कुछ कमजोरी रही हो, जनता ने भाजपा पर विश्वास नहीं जताया या लोकल के नाते लोकल कैंडिडेट पर विश्वास जताया, फिलहाल उपचुनाव में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पार्टी ने इतना काम किया है, योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में इतनी योजनाएं, तमाम योजनाएं जो कि गांव के हर गरीब, हर किसान, हर वर्ग के लोगों को मिला है, उसको देखते हुए आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुमत से आने वाली है। चलिए हम बात कर लेते हैं मुगराबाद शाहपुर निकाय चुनाव पर। मुगराबाद शाहपुर में अगर हम बात करते हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, बहुत लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। उस लंबी लिस्ट में संभावित प्रत्याशियों में आपको क्या लग रहा है कि किसके भरोसे, किसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास जता करके और उसको टिकट देगी और उसको कामयाबी मिल जाए? भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर यह चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजना गांव गरीबों तक पहुंचाई है, आज हर गांव के हर गरीब, हर वर्ग के व्यक्ति, हर व्यक्ति के लोग, हर मतदाता ये मन पूरा मन बना चुका है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट करनी है। रही बात प्रत्याशी की, पार्टी जिसको भी अपने पार्टी का प्रत्याशी सिंबल देके भेज देगी, सारे कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण उसके साथ लगकर, जी जान से लगकर उसको चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो अभी आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनपद जौनपुर के कोषाध्यक्ष
संतोष मिश्रा नाट्य गुरु, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुगरा बादशाहपुर नगर पालिका के लिए जिस भी किसी प्रत्याशी को अपना सिंबल यानी कमल का निशान दे करके मुगरा बादशाहपुर के लिए भेजती है, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के उसको चुनाव जिताने का कार्य करेंगे। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के जो प्रत्याशी होंगे वो चलते हैं या नहीं चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी किस पर विश्वास जता करके टिकट देती है, मंथन अभी जारी है। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं सस पांडे, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।